हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का स्वागत है हमारे इस एकेडमी में। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ ठीक ही होंगे। जैसा कि कल हम लोगों ने डिस्कस किया था सिलेबस की, मतलब यूपी टेट के लिए क्या क्या सिलेबस है। आज आप देखते हैं 120 प्लस अंक पाने के लिए हमें किन किन बुक का सहारा लेना है और इस चैनल को पढ़ते रहना है। अगर हम ऐसा कर पाएंगे, ये डगर बड़ी कठिन है। आप लोग अगर ऐसा कर पाएंगे तो निश्चित रूप से 120 प्लस अंक लेकर के आएंगे। अगर 120 प्लस अंक नहीं लेकर आ पाते हैं तो समझ लीजिए सिलेक्शन में आप जो है अपने तरफ से बहुत कमी कर देंगे। क्योंकि आए दिन अभी 2019 शिक्षा नीति के तहत और एक नया आयोग जो बना है, उससे कुछ प्रयागराज से पता चला है कि जो है अब यूपी टेट आपका जो है, इसमें से मेरिट जो बनती है यूपी टेट के भी मार्क जोड़े जाएंगे। मतलब अब आपके सिलेक्शन का पहला चरण ये बन जाएगा यूपी टेट, और इसके बाद मेरिट के भी कुछ अंक जोड़े जाएंगे जो उनका मतलब रूल है। इसके बाद में सुपर टेट के भी अंक जोड़े जाएंगे। तो पहला कदम सफलता के लिए यूपी टेट है। इसको अब केवल पास करना नहीं, अपित इसमें अच्छे अंक भी लाने हैं। इसलिए अब बहुत ज्यादा समय आप लोगों के पास नहीं बचा है। लग जाइए और मेहनत करिए, 120 प्लस अंक अर्जित करिए। इसके लिए हम थोड़े से मतलब बहुत गहन अध्ययन के बाद निष्कर्ष निकाले हैं कि अगर किन किन बुकों का यूज किया जाए तो यहाँ तक पहुँचा जा सकता है या इसको पार किया जा सकता है। तो आइए देखते हैं क्या है, कैसे है। सबसे पहले है आपका बाल विकास, सबसे पहले आपका बाल विकास है, जो कि हम लोग कल देखे थे कि 30 क्वेश्चन का आने वाला है और 30 नंबर का ये होगा इसका भाग। इसके बाद में इसके लिए बुक जो है हम सजेस्ट करेंगे कौन सी बुक लेनी है। सबसे पहली बात यह है कि कोई भी बुक अगर आप उठाएंगे तो उसमें पैडोलॉजी का पोर्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि जो है अलग अलग बुक हैं, अलग अलग लोग लेखक हैं तो अपने तरीके से लिखे हुए हैं। तो इसके लिए आप लोगों को अलग से कोई बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इस बुक को आप पढ़ेंगे, इसके बाद चैनल को देखेंगे तो लगभग आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। सबसे पहले मैं दीपक शर्मा की एक बुक है, बाल विकास एवं मनोविज्ञान करके, इसको लेने के लिए कहूंगा। क्योंकि पिछले वर्ष 2018 में यूपी टेट के लगभग सारे क्वेश्चन इसी बुक से आए थे, और अगर आप इसको नहीं खरीद पा रहे हैं या आपके यहाँ गांव दूर दराज में ये बुक उपलब्ध नहीं हो पा रही है तो मालती शाश्वत एक बुक आती है, इसको ले लीजिए। मालती शाश्वत करके एक बुक आती है, आप इसको ले लीजिए। इसके बाद बात करते हैं हिंदी की। हिंदी में बहुत सारे बुक हैं, लेकिन उनमें से सबसे त्रुटि रहित बुक जो हम बताने जा रहे हैं हिंदी, हिंदी जो है 30 प्रश्न 30 नंबर। अब देखिए सबसे त्रुटि रहित बुक है डॉक्टर हरदेव बाहरी। अगर आप इस बुक को ले लेते हैं तो यहां से ग्रामर, जो हिंदी ग्रामर का पोर्शन है, लगभग आपका इतना जबरदस्त हो जाएगा कि आपको बहुत ज्यादा नंबर यहाँ से मिल सकता है। इसके बाद में
संस्कृत के लिए, संस्कृत या फिर अंग्रेजी के लिए आपको बाहर से कोई बुक नहीं लेनी है जो आपके एस ई आर मतलब उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा जो बुक चलाई जा रही है इंटरमीडिएट की, इंटरमीडिएट के लिए जो बुक चलाई जा रही है उसकी जो है ग्रामर की बुक हम ले लेंगे तो उससे हमारा हद तक काम चल जाएगा। मतलब सारी बुक जो मार्केट में है उससे कहीं अच्छी हमारी राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही बुक की ग्रामर की बुक है, अगर इसको ले लेते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी। इसके बाद में बात करते हैं गणित के लिए, गणित के लिए तो गणित के लिए 6, 7, 8 एस सी ई आर टी मतलब राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही गणित की 6, 7, 8 की अगर बुक ले लेते हैं और इसको अच्छे से लगा लेते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट इतना क्लियर हो जाएगा कि परीक्षा में आने वाले हर क्वेश्चन को आप टच करेंगे और टच ही नहीं करेंगे अपुत उसका सही उत्तर तक पहुंच सकेंगे कितनी भी वीक गणित हो। और हमारे चैनल भी गणित कमजोर बच्चों के लिए स्पेशल गणित की क्लास दी जा रही है, आप अगर इसको रेगुलर देखते रहेंगे तो निश्चित रूप से आप इसमें 25 प्लस क्वेश्चन करेंगे, ये मेरा दावा है क्योंकि मैं गणित ही पढ़ाता हूं। इसके बाद में बात करते हैं पर्यावरण के लिए, पर्यावरण भी कितने नंबर का आता है, 30 नंबर का पर्यावरण, 30 प्रश्न 30 नंबर। इसके लिए हम अगर जो है हमारा परिवेश करके बुक आती है, हमारा परिवेश करके बुक आती है किसकी, एस सी ई आर टी राज्य सरकार द्वारा संचालित, अब तो वही एनसीईआरटी के बदलाव के रूप में बदल दिया गया लेकिन वही बुक है, हमारा परिवेश करके आती है और 6, 7, 8 तक की अगर बुक ले लेंगे और हो सकता है तो, हो सकता है तो एक बाणी, बाणी करके बुक आती है, बाणी की बुक आती है, अगर एससीईआरटी की बुक नहीं मिल पा रही है तो बाणी करके ले लीजिएगा। और एक यूथ, यूथ कंपटीशन करके प्रैक्टिस पेपर की तरह से बनाया हुआ है, मार्केट में उपलब्ध हो गई है बुक, बड़ी अच्छी बुक है, अगर इसको ले लेंगे तो लगभग यहाँ से आपका 30% तो कवर कर देगा ये, और इसमें से 70-80% तक आपका ये कवर कर देगा। ऐसा मत सुनिएगा कि परसेंटेज ज्यादा हो गया है, कुछ नहीं, कभी यहां से कम होगा तो यहां से कम हो जाएगा और 30-40% ये जो है ये कवर कर देगा आपका हमारा परिवेश। ये मत समझिएगा कि 120-150% हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, यहां से कम होगा, यहां से ज्यादा हो जाएगा, यहां से कम होगा, मतलब 100% ही रहेगा, ऐसा मत सोचिएगा कि मतलब सर ने गलत बता दिया, ऐसा होता है। इसके बाद में अगर ये सब नहीं मिल पाता है तो कहीं से अगर इग्नू जो राष्ट्र मतलब केंद्र सरकार द्वारा एक मुक्त विश्वविद्यालय चलाया जा रहा है, जैसे बहुत सारे लोग जो है इग्नू से डीएलएड भी कर रहे थे, ऐसे करके मतलब बुक आती है, मिल सकती है तो ले लीजिएगा, अगर ये मिल जाती है आपको तो उन सबके बराबर ये बुक है क्योंकि मैंने इसको देखा है बहुत अच्छे तरीके से, इग्नू की जो नोट्स है बहुत अच्छा नोट्स है, अगर मिल सकता है तो ले लीजिए, नहीं मिलता है तो आप जो है नेट से सर्च करवा करके किसी दुकानदार से और इसका प्रिंट आउट ले लीजिए, बहुत जबरदस्त बुक है। इसके बाद में हम लोग देखते हैं हम लोग का कार्यक्रम क्या रहेगा, कैसे हम लोग चलें, किस रणनीति से चलें कि हमें 120 प्लस अंक प्राप्त हो जाएं। सबसे पहले हिंदी देख लीजिए, हिंदी के बाद बाल विकास, बाल विकास, इसके बाद में पर्यावरण,
इसके बाद में आपका गणित, इसके बाद में द्वितीय भाषा। द्वितीय भाषा देखिए, ये 30 प्रश्न का आएगा, ये 30 प्रश्न का आएगा, और ये 30 प्रश्न का आएगा, ये 30 प्रश्न का आएगा, ये 30। 1, 2, 3, 4 और 5 कितना हो गया? 150 प्रश्न। और नंबर कितने आएंगे? फिर सब 30 30 नंबर के आएंगे, जैसा कि हम लोग पहले भी जानते थे या जान चुके हैं। 150 प्रश्न होंगे। अब देखिए, हमें किस रणनीति के तहत चलना है कि 120 115 क्वेश्चन निश्चित रूप से गेन किया जा सके। सबसे पहले हिंदी, हिंदी को आप अगर डॉक्टर हरदेव बाहरी और चैनल के माध्यम से पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपको 25+ अंक मिल जाएगा, 25+ अंक मिल जाएगा। बाल विकास में अगर 20+ अंक ले आते हैं तो आप बहुत अच्छी कंडीशन में माने जाएंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं विवादित क्वेश्चन भी हो जाते हैं, और जो है उसका आंसर कुछ इस तरीके से आ जाता है, लेकिन अगर 20+ मार्क आपके आते हैं समझ लीजिए आप बहुत अच्छी स्थिति में हैं। इसके बाद पर्यावरण, पर्यावरण 25+। अगर इग्नू नोट्स या फिर उन सब बुकों को मिलाकर पढ़ते हैं, चैनल को देखते रहते हैं, तो मेरा दावा है आप 25+ क्वेश्चन कर ले जाएंगे अपने पर्यावरण में। इसके बाद गणित, लोग गणित को कहते हैं कि मतलब बहुत टिप टप होती है, ऐसा कुछ कुछ नहीं है, आप इसमें भी 25+ गेन करेंगे। केवल करना क्या है, बुक ले लीजिए और जो है इसके बाद में हमारा चैनल देखते रहिए, चैनल के माध्यम से जो प्रैक्टिस दी जाएगी कि आप ये क्वेश्चन कर लीजिएगा, तो आप वो क्वेश्चन कर लीजिएगा, कल के लिए मत छोड़िएगा प्लीज। अगर ऐसा कर पाएंगे तो निश्चित रूप से 25+ गेन करेंगे। इसके बाद में द्वितीय भाषा, द्वितीय भाषा 20 तक तो थोड़ा इजी होती है, लेकिन 20+ के ऊपर थोड़ा थोड़ा ऐसे बना दिया जाता है प्रश्न पत्र कि 20+ के ऊपर जाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, तो हम इसको 20 ले लेते हैं। वैसे आप लोग करेंगे बहुत अच्छा, मुझे पता है आप लोग बहुत अच्छे करेंगे और ज्यादा मार्क लेकर के आएंगे। तो देखिए, 1 2 3, 3 सब्जेक्ट में अगर 25+ हो गया और 2 सब्जेक्ट में 20+ हो गया तो आपका लगभग पहुंच जाएगा कितना, 115, 115 तक आप पहुंच जाएंगे, और ये एक सुरक्षित स्कोर माना जाएगा। अगर यहाँ तक आप पहुंच जाते हैं, इसके बाद में रूबरटेड देते हैं, तो एक निश्चित आपकी सफलता एक निश्चित दौर में पहुंच जाएगी। जैसा कि अभी सूचना 2 3 दिन पहले आई है, थोड़ा पुराना हो गया है न्यूज़, लेकिन फिलहाल हमारा चैनल अभी बना है, इसलिए आप लोगों को बता देते हैं कि राज्य सरकार से जो प्रयागराज में एलनगंज में आपका पीएनपी है, वहां से एक सूचना आई थी 2 3 दिन पहले कि हर वर्ष अगर टेट कराया जाएगा तो हर वर्ष सुपर टेट भी होगा, क्योंकि राज्य में शिक्षकों की बेहद कमी है, तो अगर हर साल सुपर टेट होगा तो निश्चित रूप से इस साल तो लगभग मुझे लगता है कुछ ज्यादा सीटें आएंगी, लेकिन आने वाले समय में कुछ बाउंड हो जाएगा, जैसे 10,000 5,000 के मतलब इतनी सीटें आएंगी और हर साल सुपर टेट होगा, तो कहीं ना कहीं अगर टेट में आप अच्छा नंबर लाते हैं तो आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो जाएगा। अब हमारे साथ आप लग जाइए, इस तरीके से 115 से ज्यादा अंक लेकर के आएंगे तो आप निश्चित रूप से सफल होंगे। आज जो है ये क्लास हम यहीं तक रखते हैं, अब यहाँ से आगे हम लोग अपना जो है लक्ष्य जो है उसकी तरफ अग्रसर होते हैं, और पहली क्लास मैथ की अभी कुछ ही देर में रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको प्राप्त हो जाएगी। धन्यवाद।